Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue the Maid's Order next episode. फिर तो फाइनली 4 महीने के बाद फिन विक्की को लेकर डॉक्टर के पास जाती है एंड वो दोनों जानती है कि उन दोनों की होने वाली बेबी एक लड़की है. फिन हैप्पी थी और विक्की भी. एंड नाउ अब टाइम है हेडी को ले जाना, पर उसकी बिल्कुल भी मन नहीं थी. बट आफ्टर ऑल ये बेबी भी उसी की है. हेडी द बिच कैरेक्टर फिन की लाइफ एकदम हेल कर चुकी है. हिंग सैम को लेकर खेल रहा था. फिन उसे कहती है थोड़ी टाइम के लिए वो सैम की देखभाल करे जब तक वो हेडी को डॉक्टर के पास ले जाती है चेकअप करवाने के लिए. तो हेडी आकर कहती है लेट्स गो, आई एम रेडी. वो जाकर कार में बैठ जाती है. फिन सैम से कहती है सैम थोड़ी टाइम के लिए अपने अंकल के साथ खेलना. हाँ, सैम नोट करता है और हिंग भी स्माइल करता है. फिन हेडी को लेकर चेकअप करने के लिए जाती है. हेडी की स्टोमच अब आगे से ज़्यादा और बिग हो चुकी है. शायद फिन की मॉम भी ये जानती है कि हेडी को ट्विंस बेबी होने वाली है. फिर तो हेडी और उसके साथ 3 बच्चे और उन सबको फिन को ही संभालनी होगी. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेगी. वो उन सब के लिए जितनी कर सकती है वो पूरी कोशिश करेगी. वेल तो चेकअप ठीक ठाक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हेडी आकर कहती है कि उन दोनों की बेबी एक लड़का है. फिन कहती है इतने जल्दी डॉक्टर ने ये क्लियर कर सकी. फिन को पता है हेडी की बेबी विक्की की बेबी से भी छोटी है. फिन उसे ये क्वेश्चन आस्क करने पर हेडी खुद को एक्सक्यूज़ करती है और वॉशरूम में चली जाती है. नाउ वो बस डॉक्टर के पास अकेली बैठी थी. ये डॉक्टर वही सेम डॉक्टर है जो विक्की को चेकअप की थी. वो डॉक्टर कहता है सो नाउ अब तुम एक बहुत बड़ी बिग फैमिली बन रहे हो. डॉक्टर फिर अपने काम में बिजी हो जाता है. फिन कहती है तो एवरीथिंग इज़ ओके ना. डॉक्टर नोट करता है और कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडी भी ठीक है और तुम्हारे 6 मंथ बेबी भी. फिट व्हाट, क्या डॉक्टर ने 6 मंथ कहा? फिन के रिएक्शन डॉक्टर नोटिस करता है. डॉक्टर कहता है हाँ हेडी की बेबी तो 6 मंथ हो चुकी है ना. फिन खुद को काम डाउन करती है और अपने एक्सप्रेशन को चेंज करती है. या श्योर, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इसीलिए. फिन क्लिनिक से बाहर आ जाती है और कार में वेट करती है. हेडी आती है. फिन कुछ नहीं कहती है. घर तक जाने की सफ़र एकदम साइलेंटली थी. हेडी अपने रूम में चली जाती है. आई फकिंग न्यू इट वो मुझसे चीट कर रही थी. ये बेबी मेरी थी ही नहीं, किसी और की बेबी है और उसने मुझे सरप्राइज की. फिन जल्दी से कार से बाहर आती है. सीढ़ियों से भागते हुए अपने ऑफिस रूम की ओर जाती है. वहाँ से वो कुछ पेपर्स लेती है, एक पेन को ग्रैब करती है और अगेन भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है. वाओ, वेयर्स द फायर डूड, हिंग आस्क करता है. फिन कहती है अपनी जो भी सामान है ना वो पैक करो और सैम की भी. वेट, सब कुछ? हिंग कहता है. फिन कहती है सब कुछ अभी के अभी. सूटकेस क्लोजेट के अंदर है. फिन फिर किचन में जाती है हेडी के पास और उसके सामने टेबल पर वो सारे पेपर्स को रखती है. फिन गुस्से से कहते हैं साइन द फकिंग पेपर्स. व्हाट इज़ दिस, हेडी आस्क करती है. डिवोर्स पेपर्स, आई एम डन विद यू, तुमने मुझसे झूठ कहा. What the hell are you talking about? हेडी कन्फ्यूज़ होने की ड्रामा करती है. फिन कहती है मेरे सामने ऐसे स्टूपिड बनने की ड्रामा मत करो, तुम्हें क्या लगा तुम इसे पास आउट कर दोगे कि ये बेबी मेरी है. हेडी एकदम से ब्लैंक हो जाती है. वो धीरे से कहती है तुम्हें कैसे पता चला. फिन कहती है कि उस फकिंग डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेबी 6 मंथ की है. हेडी कहती है वेल तो अब तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो. फिन कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट साइन दिस पेपर्स.
वाय, ताकि तुम उस मेड के साथ रह सको। तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम उस फकिंग बिच के साथ थे और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी ताकि तुम उसके साथ भाग सको। फिन कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक फकिंग बिच हो? मैं तुमसे सालों से हेट करते आ रही हूँ और अभी भी करती हूँ। एंड हाँ, मैं बिकी के साथ रहूँगी। एंड नाउ वी हैव किड, और उसे फकिंग बिच बोलना बंद करो, वो तुम हो। ओह हाउ स्वीट, डिफेंडिंग अ लिटिल मेड, इज फिन इन लव? ओ माई गॉड, यू आर, हाउ फकिंग हार्ट वार्मिंग। हेदी थोड़ी ड्रामेटिक रिएक्ट करती है। मैं कुछ भी साइन नहीं करूँगी, मैं इसे लेकर कोर्ट में जाऊँगी। हेदी अपने दोनों हाथ को ग्रैप करते हुए कहते हैं। फिन कहते हैं, फिर मत करो, आई जस्ट सी यू इन कोर्ट। तभी हिंग सैम को लेकर उन दोनों को क्रॉस करके बाहर की ओर जाती है और फिन की ओर देखकर कीस मांगता है। फिन उसे कीस को थ्रो करती है तो वो कैच कर लेता है। दोनों जाके कार में बैठता है। फिन हेदी की ओर क्यूरियस होकर देखती है। सो ये बेबी किसकी है हेदी? सेंग की ना? फिन ये कहते हुए नोट करती है। सो आई वॉज राइट, उस रात हमने सेक्स नहीं की थी, राइट? हेदी नोट करती है। ओ हम फकिंग सो ग्लैड कि हमने सेक्स नहीं की थी उस रात। क्या सेंग को पता है कि ये बेबी उसका है? हेदी यस कहती है। ओ थैंक गॉड, तुमने किसी से तो सच कहा। और तुमने कैसे फाइंड आउट की कि मेरे साथ बेकी की रिलेशनशिप है? हेदी कहती है कि तुम दोनों ने अपने डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सके। फिन कहती है, ओके इस डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए मैं तुम्हें सोचने की टाइम देती हूँ, और अगर तुम नहीं करते हो तो ठीक है, हम कोर्ट पर मिलेंगे। फिन कहती है और कार की ओर चली जाती है। हे आर यू ओके? हिंग फिन को आस्क करता है। फिन आंसर देती है, आई एम फाइन, आई एम डन विथ हर, वो बेबी मेरी थी ही नहीं। हिंग कहता है, तो वो किसका था? ये उसकी एक कोएक्टर का है। फिन आंसर देती है। चलो थैंक गॉड सब कुछ क्लियर हो गया है, अब हम कहाँ जाएंगे, होटल? फिन आंसर नहीं देती है। कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद फाइनली वो उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। दिस इज़ बेकीज़ हाउस, फिन्स डेस्टिनेशन। फर्स्ट हिंग और सैम जाता है एंड देन फिन अपनी लगेज को कैरी करती है। उसकी प्लान नहीं थी कि वो बेकी के पास आएगी, पर हेदी ने उसके साथ जो भी किया। बेकी कहते हैं, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि आप यहाँ पर हो, मैं सरप्राइज हूँ कि हेदी ने क्या किया है। फिन उसे किस करती है। फाइनली आई एम हैप्पी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहा, पर वो नहीं कर रही है। वो मुझे कोर्ट पर लेके जाएगी, इट्स ओके, मैं भी फाइट करूँगी। बट इट्स माई ओपिनियन, शायद वो नहीं जाएगी, तो मैंने उसे थोड़ी टाइम दिया है, देखते हैं आगे क्या होती है। चलो अब हम फोकस करेंगे हमारी लाइफ पर, बस मैं, तुम और हमारी किड। सो नाउ मैं फाइनली बेकी के साथ रह सकती हूँ, एंड ये बेबी, आई नो ये मेरी है। ऑल शायद ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। Bye-bye.